सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. आज 26 सितंबर 2019 थर्सडे है, सुबह के 8:14 हो रहे हैं. तो आज जैसे कि थर्सडे है और मंथ का लास्ट थर्सडे है, तो वीकली एक्सपायरी का दिन नहीं, मंथली एक्सपायरी का दिन है डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स का. तो काफी उथल पुथल मार्केट में हो सकता है. जो नए ट्रेडर्स हैं, नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में, आज अवॉइड करें, क्योंकि आज जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स होते हैं वो ज्यादा प्ले करते हैं मार्केट में आज के दिन. तो सिर्फ एक्सपीरियंस करें आज क्या कैसे मूव आता है. तो आज मंथली एक्सपायरी का दिन है. कल हमने देखा कि 150 पॉइंट की गिरावट निफ्टी इंडेक्स में हमें देखने को मिली. फ्राइडे और मंडे 1000 पॉइंट्स का अपमूव, उसके बाद ट्यूसडे और वेनसडे 300 पॉइंट्स का करेक्शन. कल शुरू में ऐसा लगा था कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था तो एक पैनिक मूव देखने को मिल रहा था. कल बाजार में कई तरह के रूमर्स थे, जो पीएमसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है. इसके बाद कुछ अफवाहें मार्केट में थी कि आरबीआई और भी 9 बैंक के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन ला सकता है, बंद हो सकती है. तो उसके चलते बाजार में पैनिक मूव बढ़ रहा था. तो कल अगर आप निफ्टी के इंडेक्स देखें तो उसमें सबसे ज्यादा निफ्टी का पीएसयू बैंक का इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरा था, 5.63% गिरा था. तो कल आरबीआई की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी बैंक के ऊपर. सिर्फ पीएमसी बैंक को 6 मंथ्स के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन किया गया है. तो इसके वजह से कल एक पैनिक मूव हमें मार्केट में देखने को मिला था. तो अभी आज के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं वो देखते हैं. ग्लोबल मार्केट में भी जो मिडल ईस्ट कंट्रीज में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, उसके वजह से भी कोई अगर निगेटिव खबर आती है तो उसका असर सीधे मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है. और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का साहब का भी जो इंक्वायरी होने वाला है, उसका भी एक न्यूज आया था इम्पीचमेंट का, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा इन्वेस्टर्स में प्रेशर देखने को मिल रहा था. तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. यह एक पिक्चर है 25 सितंबर, यानी कल का आफ्टर मार्केट आवर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा. तो कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल फाइंड हुआ था 11,613 के पास, और ब्रेकडाउन लेवल हमारा था 11,533 के पास. तो ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. तो जैसे निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ और फर्स्ट टारगेट 11,510 ये अचीव हुआ, और सेकेंड टारगेट 11,483 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 30,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं क्विकली. कल अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, डाउ जोन्स 162 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ, नासडैक में भी 83 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली. कल यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा प्रेशर के साथ बंद हुए, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज इंडेक्स 58 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. हालांकि चाइना मार्केट में थोड़ा सा अभी भी प्रेशर देखने को मिल रहा है. हांगकांग मार्केट 79 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है. डाउ फ्यूचर देखे तो अभी हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 20 पॉइंट्स के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं, ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं. डेली चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पर ट्यूसडे के दिन डोजी कैंडलस्टिक बना था. डोजी यानी इनडिसिसिव पैटर्न, जहाँ पर बुल्स और बियर्स में काफी फाइट चल रहा है, और नेक्स्ट डे जब इसका हाई और लो ब्रेक होता है तो हमें आने वाले नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में एक सिग्नल मिलता है. तो कल इसने ट्यूसडे का लो ब्रेक कर दिया और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव होने लगा. तो अभी फिलहाल यहाँ से नेक्स्ट जो सपोर्ट है तो 11,370 का है, जहाँ पर ये गैप क्रिएट हुआ था, इसका इनिशियल पॉइंट है. तो यहाँ से अगर कल का लो अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा 11,370 का. वीकली चार्ट में देखें तो ऊपर ये 61.8% के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है. अभी 2 दिन बचे हैं वीक को खत्म होने में. अगर ये इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 61.8% के ऊपर, तो चांसेस होंगे कि यहाँ से और भी अपसाइड मूव देखने को मिले.
अगर नहीं तो यहाँ से ये फर्स्ट ये इमीडिएट अगर नीचे आता है तो 11,370 का यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। अगर यहाँ से अगर ये लो और ये हाई को पकड़ के हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करें तो अभी देख सकते हैं आप 23.6% का इसने ये जो रिट्रेसमेंट का लेवल था ये अचीव कर लिया। अभी नेक्स्ट 38.2% का होगा 11,303, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर 20 ईएमए में भी उसी लेवल के पास आ रहा है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा 20 ईएमए में भी इसी के पास आ जाएगा। तो 20 ईएमए में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी 11,300 के पास, तो ये मेजर सपोर्ट होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स में और पैनिक मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये सस्टेन करता है इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर तो उम्मीद की जा सकती है यहाँ से अपसाइड मूव एक्सटेंड हो, कंटिन्यू हो। तो फिलहाल यहाँ पर 11,300 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके पहले जो ये गैप का ये इनिशियल पॉइंट है 11,370 ये फर्स्ट सपोर्ट होगा। डेली चार्ट में क्लियरली है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जाना है तो अभी यहाँ पर जो इसने ऑलमोस्ट हाई लगाया था मंडे को 11,694 ये कंफर्टेबली पार करना होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही रैली यहाँ से कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकती है। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 60 मिनट के चार्ट में इसने 20 ईएमए को ब्रेक कर दिया और जस्ट इसके नीचे आके क्लोज हुआ है। तो ये जो कल का लो बनाया था अगर इसे ये ब्रेक करता है 11,415 को अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट तभी हमारा होगा इमीडिएट 11,382, जहाँ पर ये जो गैप क्रिएट हुआ था इसका इनिशियल पॉइंट भी उसी लेवल के पास आ रहा है, S1 का जो पिवट पॉइंट का लेवल है वहां पर। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा होगा 11,382, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 11,353, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो पहला तो रेजिस्टेंस होगा ये जो 20 ईएमए है, ये पिंक लाइन ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसके ऊपर पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है 11,473 ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा। तो इसे भी अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है इन दोनों लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है, यानी 11,473 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,496, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,513, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।